सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और ये वीडियो आपको मिलने वाली है 5th of Feb को, यानी हमारी मैरिज एनिवर्सरी को। सो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारी वेडिंग एल्बम पे रिएक्शन। आपको छोटा सा पार्ट दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारी वेडिंग एल्बम है। ये है हमारी वेडिंग एल्बम। यार हम लोग तब कितने पतले हुआ करते थे ना। जो हम जितना हम शादी में थे ना, उसके हम डबल हो रखे हैं अब। ये तो एकदम हीरोइन की तरह पोज दे रखी है इसने। तो मैं थी भी तो हीरोइन ना। इसमें जैसे कोनी रख रखे ना, मैं अब कोनी रख दूँ तो इनका कंधा ही टूट जाएगा। इतनी मोटी हो गई है। ये देखो आप कैसे हंस रहे हो। इस वाली फोटो में है ना, कितने अच्छे लग रहे हो ना आप। हंसते हो काला चश्मा। ये देखो इस वाली फोटो में काला चश्मा लगा के। मैं ना आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मतलब हमारी बारात आने का टाइम था 6 बजे का, शाम को 6 बजे का। और ये 6 बजे ही पहुंचने के चक्कर में ये चल पड़े, और मेरे इधर कुछ काम भी नहीं हुआ। इनका फोन आया, मैंने पूछा कहाँ, तो ये बोल रहे हम तो आधे रास्ते पहुंच लिए, और हम ऐसे कैसे बैठे। और फिर जब सबको पता चला ना, तो फिर भगदड़ मची। और फिर एकदम से फटाफट तैयार हुए। और फिर पता ही क्या हुआ, हम आपको पता है आपकी एंट्री हो रही थी हमारे घर के आगे वाले गेट से, और मैं घुसी थी हमारे घर के पीछे वाले गेट से। ऐसा हमारे घर के ना 2 गेट है, तो उसका फायदा हो गया। मैं लेट, बहुत लेट तैयार हुई थी मैं। सो दूसरे गांव में जाके तैयार होना था, तो फिर मेरे चाचा वहां से लेके आए मुझे। और इनकी बारात, मतलब मेरी बारात घर के पास एकदम, और फिर हम उनके बारात के हम पीछे पीछे। और मैं आ गया आगे। और फिर हम पीछे से घूम के, और फिर मैं अंदर आई, तब जाके फिर आगे की प्रोसेस शुरू हुई। वो लड्डू वड्डू मारा। आपको लड्डू कहाँ लगा था? इधर 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 मारा। तो गाइस, विदाई के टाइम पे जनरली होता है कि लड़कियां रोती हैं। ये तो बस थोड़ा सा रोई, और जैसे ही गाड़ी में बैठी अपने आराम से चुप होगी बैठ गई। उस टाइम मेरे को मतलब ये पता नहीं था ना कि विदाई क्या होती है। मैं थोड़े बचपने टाइप वाली थी, अभी भी हूँ, बचपना ही भरा पड़ा है, अभी भी हूँ, बट तब और ज्यादा थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि विदाई क्या होती है। दूर चले जाएंगे तो फिर कभी बहुत कम आना होगा ये सब, और फिर मतलब प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी। तो मेरे को तो उस टाइम पे कुछ नहीं पता था, तो मेरे को क्या पता रोना है। मैं थोड़ा सा जितना रोना है उस टाइम उतना रो ली। फिर शादी के बाद जब हम अपने घर से यहाँ पे आ रहे थे अहमदाबाद के लिए, तो बाई कार हम लोग आ रहे थे। तो बस हम दो ही थे गाड़ी में, तो वैसे मैं तो चला ही रहा था गाड़ी, और ये बैठे हुए थे साइड में। तो खूब देर बात भी करते रहे, चलते रहे, बातें होती रही। फिर काफ़ी देर हो गया था, क्योंकि लगभग 850 या 90 के आसपास इतना किलोमीटर पड़ता है हमारा डिस्टेंस। तो ये तो इनको लगा पता नहीं कितनी देर सुबह चले थे और शाम हो गई, दोपहर शाम हो गई, ये बोले आ ही नहीं रहा, घर ही नहीं आ रहा। और इनको लगा कि बहुत ज्यादा दूर आ गए घर वालों से, तो फिर रास्ते में रोना चालू कर दिया। तब मेरे को एक्चुअली समझ में आया कि मैं दूर आ गई, तब फिर मेरे को रोना आया थोड़ा सा। मैंने बोला अब मेरे को ना आप एक काम करो। ये बोले क्या हो गया रोज रोमन का, आप ना एक काम करो मेरे को वापस छोड़ दो मेरे घर पे। घर छोड़ने में और ज्यादा टाइम लगता डबल। हाँ, फिर आपने ये भी बोला था शाम शाम को। तो हम वैसे 8-7-8 बजे पहुंचे थे यहाँ पे। तो ये शायद 4-5 बजे की बात है। हाँ। और इनके घर वालों के कॉल बार बार में आते रहे, कहाँ पहुंचे, उनको नहीं पता था कि इतनी दूर है अहमदाबाद, इतनी दूर जा रही हूँ मैं। मेरी मम्मी को तो एक्चुअली ये लग रहा था कि अभी मैं थोड़े दिन वहीं पे रहूंगी, क्योंकि अहमदाबाद दूर है ना। और उस टाइम पे मेरे एग्जाम्स भी थे, MSc कर रही थी मैं। सो मम्मी को लग रहा था कि अभी तो यहीं पे रहेगी। मम्मी को भी बाद में पता चला। हम तो शादी के शायद 4-5 दिन बाद आ गए थे। हाँ, तभी आ गए थे, क्योंकि काम था तो छुट्टियां इतनी थी नहीं इसके लिए। स्टोरी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और ये वीडियो स्पेशली हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं।
आज 5 फेब को, क्योंकि हमें लगा कि आज आप लोगों से कनेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो भी प्रोग्राम होगा मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता है, सारा मुझे नहीं पता है, और जो भी प्रोग्राम होगा उसकी वीडियो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और मुझे पता इनको है। पता है, ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ जरूर अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग भी देना और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना। और यार अभी 2 दिन इसलिए वीडियो नहीं आ रही क्योंकि अभी थोड़ा ऐसे माँ ही सोती नहीं है रात को, तो थोड़ा नींद पूरी नहीं होती, तो बनाने का कुछ मन नहीं करता, एडिटिंग का कुछ मन नहीं करता, सो इसलिए वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे हैं। और ये वाली वीडियो जरूर अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए, सो आप लोग देखिए इसको, ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दीजिए, इसीलिए स्पेशली आप लोगों के लिए डाली है और ये टाइम वीडियो। हो रहा है अभी रात के 1-2 बज रहे हैं ना, रात के 1-2 बज रहे हैं और माँ ही सो रही है और हम इस टाइम का फायदा उठा रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो अभी माई सोई तो अभी टाइम मिला, अभी अदरवाइज मिला पहले है ही करता है। हाँ, सो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज शाम तक मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। हमने जो ये वाली वीडियो बनाई है और पहले वाली वीडियो बनाई थी उसकी कुछ फनी और क्यूट मोमेंट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी। सो शाम को आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा और नेक्स्ट डे फिर आ जाएगा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए बाय बाय। बाय बाय। नींद आ रही है देखो, क्योंकि पूरे दिन थक जाते हैं ना यार, मुझे भी आ रही है देखो, डार्क सर्कल देखो हमारे दोनों के कितने आ गए। तो चलिए कोई फिर नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय। बाय।